गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई वेलकम यू एट द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑन माय चैनल। स्टूडेंट्स, इन माय लास्ट वीडियो आई हैड एक्सप्लेन्ड वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। दोज टू क्वेश्चन आंसर्स बिलोंग टू फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आई विल टेल यू आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Choose the correct answer. That means, there will be 3 options in front of a statement or question and you have to select the correct one. यानी आपको एक sentence या question के सामने में 3 options मिलेंगे, उनमें से आपको सही option को choose करके उस पर टिक करना है। First question, the giant carried a reaping hook because दैत्य के पास एक काटने वाली दरांत थी, क्योंकि हेयर आर 3 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जायंट्स, सेकेंड ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, थर्ड ही वॉन्टेड टू फ्राइटन गुलीवर। दैट मीन्स वह दूसरे दैत्यों से लड़ना जा रहा था, वह मकई की फसल काटने जा रहा था, थर्ड मीन्स वह गुलीवर। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, दे पुट गुलीवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज उन्होंने गुलीवर को जमीन पे रख दिया, क्योंकि दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, उन्होंने ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा था। बी ऑप्शन, दे थॉट ही वॉज अ डॉल, उन्हें लगा ये एक गुड़िया थी। सी ऑप्शन, दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, दैट मीन्स उन्होंने इतना छोटा आदमी पहले कभी भी नहीं देखा था। एंड द सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, सो पुट टिक मार्क ऑन दिस। नेक्स्ट सी थर्ड क्वेश्चन, गुलीवर क्या था? अ फार्मर, अ सेलर, अ ड्वार्फ, अ जायंट। वे एक किसान था, नाविक था, बौना था या दैत्य? Yes, the correct answer is a sailor. So put tick mark on the option number B. Next, fourth question. Name the creature to whom you would look like Gulliver. The creature is now extinct. एक ऐसे प्राणी का नाम बताओ जो तुम्हें गुलीवर जैसा दिखता होगा और वो प्राणी अब गायब हो चुका है। The word begins with the letter D, that is dinosaur, and you have to write very carefully. The spelling is dinosaur. Okay, next fifth question, from the text write the sentences that tells you the following. यानी आपने लेसन को रीड किया है, बुक में से यानी लेसन में से आपको पिक करके यहाँ राइट करने हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फर्स्ट वन इज द जायंट रीपर्स वर फैसिनेटेड बाय गुलीवर। फैसिनेटेड मीन्स क्या होता है बेटा? अट्रैक्टेड, यानी वो जो दैत्य किसान थे, दैत्य जो कटिंग करने वाले थे, रीप करने वाले थे फसलों को, वो गुलीवर की तरफ आकर्षित हो गए थे। ये हमें पता चलता है एक लाइन से जो कि आपकी लेसन में दी हुई है, दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक, उन्होंने उसे ज़मीन पे रख दिया ताकि बड़े अच्छे से वे उसे देख सके। अच्छे से देखना यानी वो किसी चीज़ की तरफ जब हम आकर्षित हो जाते हैं तो उसे बड़े ही प्यार से, बड़े ही ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो ये जो दैत्य थे, इन्होंने गुलीवर को ज़मीन पे इसलिए रखा क्योंकि वो उसे अच्छे से देखना चाहते थे। गुलीवर वाज अ लर्नेड मैन, ये यानी गुलीवर एक शिक्षित व्यक्ति था। कैसे पता चला हमें? जब गुलीवर ने बताया, आई ट्राइड टू स्पीक टू देम इन 7 लैंग्वेजेस, मैंने उनसे 7 भाषाओं में बोलने का प्रयास किया। थर्ड,
The farmer's son thought Gulliver was a toy. किसान के बेटे ने सोचा कि गुलीवर तो एक खिलौना था. यह हमें कहाँ से पता चला? जब गुलीवर कहता है, On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head in his mouth. उसी घटना से हमें पता चला कि किसान के लड़के ने उसे एक खिलौना समझ लिया था. फोर्थ, द फार्मर्स वाइफ वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन. कहाँ से पता चला हमें कि किसान की पत्नी एक बड़ी ही दयालु औरत थी? यू आर टू राइट हेयर लेटर, शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ. उसके पश्चात उस औरत ने मुझे अपने बिस्तर पे सुला दिया और मुझे एक बड़े ही साफ सफ़ेद रुमाल से कवर कर दिया. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ गिवन अंडर द टाइटल लेट्स टॉक. एज यू कैन सी हियर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. यू आर टू रीड दी सेंटेंसेस केयरफुली, यानी बड़े ही सावधानी पूर्वक आपको इन वाक्यों को पढ़ना है. द जाइंट फार्मर्स वॉइस वॉज एज लाउड एज अ बेलोइंग ट्रम्पेट, यानी उस किसान दैत्य किसान की आवाज़ इतनी ऊँची थी जैसे कि एक बड़ी ही हाई स्पीड पे ढोल बजता है. ठीक है, जो ढोल बजता है बड़ा ही तेज़ साउंड करता है. तो कितनी तेज़ आवाज़ थी उस दैत्य की, यहाँ कंपेयर कर रहे हैं हम, जैसे कि एक ढोल बजता है. और का मतलब होता है या. द जाइंट फार्मर्स वॉइस वॉज एज लाउड एज थंडर, उस दैत्य किसान की आवाज़ इतनी तेज थी जैसे कि तूफान होता है. यानी जब हम कंपेयर करते हैं तो हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, जैसे एज लाउड एज अ थंडर. ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन समथिंग इज़ वेरी कोल्ड, जब बहुत कोई चीज़ बहुत ठंडी होती है तो हम क्या कहते हैं? वी से इट इज़ एज कोल्ड एज आइस. हम कहते हैं कि ये तो इतनी ठंडी है जैसे कि बर्फ. दिस इज़ बिकॉज आइस इज़ वेरी वेरी कोल्ड. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ तो बहुत 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 ज़्यादा ठंडी होती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग यूज अ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. एज यू कैन सी हेयर देर आर वर्ड्स रेड, स्लो, ब्लैक, जेंटल, वार्म, स्ट्रॉन्ग, स्वीट, लाइट, वाइट. यू आर टू यूज दीज वर्ड्स टू कंप्लीट दीज गैप्स. ओके, फर्स्ट वन, एज डैश एज अ फीदर, वी हैव टू राइट हेयर लाइट, यानी इतना हल्का जैसा एक पंख होता है. नेक्स्ट, एज डैश एज अ टोटोइज, टोटोइज में होता है बेटा कछुआ, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है. तो धीरे धीरे के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? स्लो. नेक्स्ट, एज स्वीट एज हनी, यानी इतना मीठा जितना शहद. शहद मीठा होता है ना, तो मीठे के लिए हम क्या लिखेंगे? स्वीट. नेक्स्ट, एज डैश एज स्नो, यानी इतना सफ़ेद जैसे कि बर्फ. तो सफ़ेद के लिए हम क्या कहेंगे? वाइट. यहाँ हम क्या हमें क्या राइट करना है? वाइट. नेक्स्ट, एज डैश एज एन ओक्स, यानी इतना शक्तिशाली इतना ताकतवर जैसे कि एक बैल या सांड. सो यू आर टू राइट हेयर स्ट्रोंग. नेक्स्ट, एज डैश एज नाइट, यानी इतना काला जितना कि एक रात होती है. नेक्स्ट, एज डैश एज अ रोज, यानी इतना क्या जो गुलाब की तरह क्या होता है. गुलाब कैसे कलर का होता है? रेड कलर का. सो यू आर टू राइट हेयर रेड, यानी इतना लाल जैसे कि एक गुलाब. नेक्स्ट, एज डैश एज अ टोस्ट,
जब आप टोस्ट खाते हैं तो वो कैसा होता है, वॉर्म होता है कि कोल्ड होता है? कूल होता है, वॉर्म होता है। वॉर्म मीन्स गर्म, कूल मीन्स ठंडा, यानी इतना गर्म जैसे कि एक टोस्ट होता है। सो यू आर टू राइट है वॉर्म वर्ड एंड यू आर टू पिक दिस वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ऑल द वर्ड्स यू गिवन इन बॉक्स यू आर टू यूज़ हेयर। एज डैश एज अ ब्रीज, यानी ब्रीज कैसी होती है बेटा, बड़ी ही विनम्र होती है, बड़ी ही प्यारी होती है, ठीक है। जैसे हवा के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जेंटल, यानी कूल। ब्रीज में क्या होता है बेटा, कूल विंड, यानी ठंडी ठंडी हवा, प्यारी सी हवा, इतनी इतनी अच्छी प्यारी, जैसे कि एक स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस आपको ऊपर दिए गए भावों को इन वाक्यों में यूज करना है। द ओल्ड मैन्स हेयर इज एज वाइट एज स्नो, यू आर टू राइट हेयर एज स्नो, यानी उस बूढ़े व्यक्ति के बाल कैसे हैं, जैसे कि कितने सफ़ेद हैं, जैसे कि बर्फ सफ़ेद होती है। हिज फीट व एज कोल्ड एज डैश, एज डैश यू आर टू राइट हेयर आइस, यानी उसके पाँव इतने ठंडे हैं जैसे कि बर्फ। नेक्स्ट, द न्यूज़पेपर बॉय वाज एज स्लो एज अ टॉर्टोइस इन डिलीवरिंग द पेपर्स, वो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का इतना धीमा चल रहा था जैसे कि एक कछुआ चलता है जब वो अखबार बांट रहा था, ठीक है बेटा। यू आर टू राइट हेयर एज अ टॉर्टोइस, यहाँ हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, न्यूज़पेपर बॉय को एक टॉर्टोइस यानी कछुए से। नेक्स्ट, आई फेल्ट एज लाइट डैश आफ्टर एक्सरसाइजिंग, यू आर टू राइट हेयर एज अ फीदर, यानी मैंने अपने आप को एक पंख के जैसे हल्का महसूस किया कब, एक्सरसाइज करने के पश्चात, ओके बेटा। नेक्स्ट, क्रिएट योर ओन कंपैरिजंस फॉर द फॉलोइंग, वर्क इन पेयर्स इफ़ यू हैव फ्रेंड्स अलोंग विद यू, अगर आपके दोस्त आपके साथ हैं तो उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो और आपको ये कंपैरिजंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन इज एज टॉल एज आई हैव रिटन हेयर अ जिराफ, क्योंकि जिराफ जो है सबसे लंबा एनिमल, यानी उसकी गर्दन लंबी होती है ना बेटा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एज टॉल एज अ जिराफ। नेक्स्ट, एज फास्ट एज अ रैबिट, यानी खरगोश सबसे तेज़ दौड़ता है, तो हम किससे कंपेयर करेंगे, रैबिट से। नेक्स्ट, एज हाई एज अ माउंटेन, यानी पहाड़ ऊंचे होते हैं, तो जब हम ऊंची चीज़ से कंपेयर करते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एज हाई एज अ माउंटेन। नेक्स्ट, एज एंग्री एज एन एलिफेंट, यानी सबसे गुस्से वाला एनिमल कौन सा होता है, एलिफेंट होता है, ठीक है, यानी हाथी होता है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, एज एंग्री एज एन एलिफेंट। नेक्स्ट, छोटी होती है। नेक्स्ट, एज ब्रेव एज अ लॉयन, यानी इतना बहादुर जितना कि एक शेर होता है, ओके बेटा। आई थिंक यू हैव गॉट ऑल द एक्सरसाइजेज वेरी वेल, वी विल डिस्कस फ्रॉम पेज नंबर 123 टू 128 इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन you are to complete all the work in your books neatly in a very neat and clean handwriting and you are to learn all the work, okay, bye.